हेलो गाइस वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल लेट्स टॉक स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं फिर से एक बार आ गई हूँ आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एम श्योर sure. जैसे ही मैंने टॉपिक का नाम बताया आप लोग सब ही बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे और टॉपिक का नाम पर ना सस्पेंस क्रिएट करें डिस्क्लोज करते हैं जो कि है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू तो ग्रूम योर सेल्फ है ना लगा ना अच्छा अच्छा एनी वेज पर ये अच्छा टॉपिक क्यों है हम सबके इंटरेस्ट की, की चीज क्यों है वाई इज इट ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ग्रूम है ना इतना मैंडेटरी पार्ट क्यों है ये हम सबकी लाइफ स्टाइल का हम लोगों को क्यों जज किया जाता है कि हम लोग कैसे दिख रहे हैं क्या अप्योरेंस है उसके बेसिस पर पर मैं आप सबको बताती हूँ कि वाई इज़ इट सो तो इम्पॉर्टेंट और एक छोटा सा मिसकनसेप्शन भी है जो बहुत लोगों के दिमाग में आई एम श्योर एग्जिस्ट करता होगा विच इज़ लाइक दे एक्चुअली ट्रीट ग्रूमिंग एज अ पार्ट ऑफ योर मेकअप और मे बी वेयरिंग एक्सपेंसिव परफ्यूम्स और कैरिंग एक्सपेंसिव गैजेट्स और वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स मे बी पर नहीं ये बहुत ही गलत सोच है गाइस इसका ग्रूमिंग से कोई लेना देना नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पास महंगे महंगे गैजेट्स नहीं हैं या फिर आप कोई ब्रांडेड परफ्यूम या कपड़े पहन के घर से बाहर आ, नहीं निकल रहे हैं तो लोगों के दिमाग में गलत इंप्रेशन जाने वाला है नहीं ग्रूमिंग का मतलब है आपकी पर्सनल मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल अपियरेंस ये दो अलग अलग चीजें हैं जो इकट्ठे एक, एक साथ मिलके ग्रूमिंग वर्ड को फॉर्म करती हैं राइट अब हमें इन दोनों चीजों के ऊपर कैसे अपने आप को ध्यान देना है या अपने आप को इन चीजों के ऊपर फोकस रखना है वो थोड़ा सा समझाने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मे बी और उसका सही तरीका है इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिस्कस करके सो लेट्स ट्राई सबसे पहले कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर फिजिकल अपेयरेंस राइट फिजिकल अपेयरेंस आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को हाइजीन मेंटेन करके अपने अंदर में हाइजीन मेंटेन करके राइट ट्राई टू रिमेन इन अ प्रजेंटेबल फॉर्म ऑलवेज आप हमेशा से कोशिश करें हमेशा कोशिश करें इन फैक्ट कि आप यू you नो know, अपने आप को क्लीन रख रहे हैं आप अपनी बॉडी के हर पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं कुछ लोग होते हैं उनके नेल्स बहुत खराब होते हैं कुछ लोग होते हैं उनके पैर फटे हुए होते हैं लाइक like, हील्स उसमें क्रैक्स होते हैं बहुत ज्यादा कुछ लोग अपने हेयर्स को इतना अनटाइडी रखते हैं दोबारा से मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बट उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लेकिन आप अवॉइड करें उन सब चीज़ों को करने से क्योंकि इससे दूसरे के माइंड पे उसका गलत इंप्रेशन जा रहा है आप इंटरनली कितने भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा ह्यूमन uh, हो सकते हैं लाइक like, बहुत ह्यूमैनिटी हो सकती है आपके अंदर पर ये सब सेकेंड लेवल पर आ जाता है क्योंकि आपको सबसे पहले कोई आपकी अप्योरेंस से जज करता है राइट आप अंदर से कैसे हैं उस चीज़ को बाद में देखा जाता है हाउ यू आर लुकिंग इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन एनी बडीज़ माइंड वेन यू यू नो मीट दैट पर्सन तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग बहुत महंगे कपड़े नहीं भी पहन रहे हैं बहुत अच्छे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स नहीं भी वेयर कर रहे हैं बट अगर आप क्लीन और टाइडी और प्रजेंटेबल फॉर्म में आप अपने आप को रख रहे हैं तो वही एक बहुत अच्छा इंप्रेशन दूसरे के ऊपर छोड़ता है आ, कुछ और लड़कियों के लिए स्पेशली ये भी है कि कुछ लड़कियां सोचेंगी कि यू नो एक्स्ट्रा मेकअप करने से आप बहुत प्रेजेंटेबल लग सकते हो या फिर आप कोई महंगी हील्स uh, या फिर एक्सपेंसिव क्लचेस कैरी करेंगे तो आप बहुत अच्छे लग सकते हैं बट सिर्फ वही ग्रूमिंग का पार्ट नहीं है ग्रूमिंग इन इट इज अ वेरी वाइडर टर्म गाइज अगर आप ये सब कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं या फिर उसको एज अ सोसाइटल बर्डन लेके आप अपने ऊपर रख रहे हैं कि जब तक मैं ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं करूँगी तब तक सोसाइटी शायद से ये मुझे एक्सेप्ट ना करे ऐसा कुछ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो ही आपकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाती है और जैसे आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपको आप अपना यू नो फुल दे सकते हैं चीज़ों के अंदर और लोग आपको उस कॉन्फिडेंस की वजह से एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं गाइस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से लिंक्ड है ये चीज जब आप खुद अपने आप में यू uh, नो you know, उतना हंड्रेड uh, परसेंट नहीं फील कर रहे होंगे वो आपके फेस पे आपके बॉडी पे रिफ्लेक्ट होगा और जिससे भी आप मिलेंगे या बात करेंगे तो सामने उस इंसान को ऐसा लगेगा कि ये अपना ट्रू सेल्फ नहीं शो कर रहा या नहीं शो कर रहे रहेगाज हम लोग वाइब्स एक्सचेंज करते हैं जिसके थ्रू ये बहुत एपरेंट हो जाता है किसी के लिए भी जज करना कि वो पर्सन अपना हंड्रेड परसेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है तो इस कंडीशन में जब आप खुद से अंदर से इस थॉट में होंगे आप खुद ही बहुत सबमिसिव सा फील कर रहे होंगे बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होंगे बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड यू आर नॉट फीलिंग इवन वेरी नाइस अबाउट योर मे बी प्रेजेंस या आप कैसे दिख रहे हैं उसके बेसिस पे तो सामने वाले को अट्रैक्ट करना या अपने कॉन्फिडेंस में लेना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग तो ये सब तो एक फिजिकल अपियरेंस uh, का पार्ट था जो अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया नेक्स्ट थिंग इज Uh, आपको मेंटली भी अपने आप को हेल्दी रखना है वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है आपकी ग्रूमिंग के अंदर जब आप मेंटली हेल्दी होंगे आप वेल well न्यूट्रिशनड होंगे लाइक like आप न्यूट्रिशस डाइट लेते होंगे आप बिल्कुल एक्टिव uh, रहते हैं अपने रूटीन में और लोगों को चीज़ों को टास्क को चैलेंज करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं और एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने आस पास मेंटेन करके रखते हैं थ्रू योर वर्ड्स और मे बी योर एक्शंस तो यू you नो know, सब आपके आसपास वो पॉजिटिव और फ़ील करना शुरू कर देते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं व्हेन दे आर अराउंड यू सो ऑलवेज़ ट्राई टू कीप योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी हेल्दी न्यूट्रिशियस एंड अवे फ्रॉम एनी इलनेस जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है Uh, और ग्रूमिंग को डायरेक्टली डायरेक्टली नो बोल देता है तो ये एक मुझे लगता है एक और नया रीज़न है या एक और बहुत बड़ा रीज़न है आपकी ग्रूमिंग में आपको hinder करने का uh, तो गाइज़ ये ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जो आपकी ग्रूमिंग को इन अ वे इम्पैक्ट करती हैं कोशिश करें कि आप हमेशा अपने आप को हेल्दी रखें खुश रखें खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है गाइज ऑलवेज ट्राई टू कीप हैप्पी आप किसी भी स्टेट में हैं आई एम श्योर आपके पास आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी बट प्रॉब्लम्स तो अदरवाइज भी हैं उनके उन उन प्रॉब्लम से रादर दैन गेटिंग डिप्रेस एंड स्ट्रेस उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए और आई कैन से इज लाइफ इज वन एंड ट्राई टू यू नो स्टे एज़ मच हैप्पी एज यू कैन इन योर लाइफ और इसी से ही आपको आपकी सेल्फ़ एस्टीम बूस होगी बूस्ट होगी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आप अपने आस पास के लोगों को इन्फ्लुन्स कर पाएंगे चीज़ों के लिए और आपके साथ में लोगों को रह के अच्छा लगेगा थोड़ा सा अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए ताकि हर किसी को यूर फीलिंग गुड योर यू नो यू स्मेल गुड एंड ऑब्वियसली यू लुक गुड ये भी बहुत बड़ा रीज़न है एक आ, आ, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग का आ, के पार्ट का और बस मुझे लगता है ये सब चीज़ें फॉलो करें गाइज और फिर से मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको फॉर यू नो गिविंग द व्यूज ऑन द वीडियोज और uh, मुझे सुनने के लिए मुझे टाइम देने के लिए मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करके बात करके मुझे नहीं पता आप लोग कैसा फील कर रहे हैं बट लिटरली जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है इट्स एक्चुअली हेल्पिंग मी इवन टू ग्रो और उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोगों की जर्नी लंबी चले अनकाज प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझ पर चैनल पर देते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए और मैं फिर से मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो में तब तक तो के लिए बाय गाइस टेक केयर थैंक यू सो मच